नमस्कार, आप देख रहे हैं द सुगम जी। यहाँ पे से राजस्थान की आज की दिन भर की तमाम बड़ी खबरें। सबसे पहले बात कर लेते हैं देश की सबसे बड़ी और अहम खबर की। आपको बता दें कि पंजाब की सियासत में एक और बड़ा धमाका। पंजाब के पूर्व सीएम अमरिंदर सिंह और अमित शाह के बीच मुलाकात हुई है। आपको बता दें कि ये मुलाकात 45 मिनट तक चली है। राज्यसभा के रास्ते मोदी सरकार में कृषि मंत्री बन सकते हैं। ये सबसे बड़ी और अहम खबर है। वहीं अगली बड़ी लेटेस्ट खबर की बात करें तो आपको बता दें कि रीट कट ऑफ को लेकर एक और बड़ी खबर। एक्सपर्ट का मानना है कि इस बार 6 से 11% बढ़ेगा परसेंटेज। बीएड पास लेवल एक में भी मार सकते हैं बाजी। रीट में इस बार कट ऑफ हाई रहेगा। लेवल एक और लेवल दो में पिछले सालों के मुकाबले कट ऑफ ज्यादा रहने की उम्मीद है। आपको बता दें कि 35,000 बच्चों के एक सर्वे में पता चला है कि लेवल एक के 9% स्टूडेंट्स अपना स्कोर 130 बता रहे हैं। साइकोलॉजी में पिछली भर्ती में 30 में से 14 से 16 नंबर आ रहे थे, अब की बार 25 से 27 औसत आ रहा है। ये भी एक बड़ा कारण है कि कट ऑफ हाई रहेगा। वहीं राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी लेटेस्ट खबर की बात करें तो आपको बता दें कि राजस्थान मौसम से जुड़ी एक और बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि राजस्थान की पूर्वी क्षेत्र में मानसून की एक्टिविटी बुधवार से फिर से तेज हो जाएगी। कोटा उदयपुर संभाग के जिलों में आज हल्की दर्जे की बारिश हो सकती है। पिछले 24 घंटे के दौरान पश्चिमी राजस्थान के जिलों में अच्छी बारिश हुई है। आपको बता दें कि जोधपुर, चूरू, बीकानेर क्षेत्र कुछ क्षेत्रों में 1 इंच तक पानी भी गिरा है। जयपुर मौसम विभाग के मुताबिक बंगाल की खाड़ी में बने नए लो प्रेशर सिस्टम के असर के कारण राजस्थान की पूर्वी और दक्षिण हिस्सों में अगले 4 दिन बारिश का दौर बना रहेगा। वहीं राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी लेटेस्ट खबर की बात करें तो आपको बता दें कि जयपुर के 3 निजी स्कूलों को नोटिस जारी। फीस जमा न कराने पर छात्रों को परेशान करने का आरोप लगा है। सबसे बड़ी और अहम खबर आपको बता दें कि जयपुर में स्कूल एक्ट का पालन नहीं करने पर शिक्षा विभाग ने 3 निजी स्कूलों के खिलाफ सख्त रुख अपनाया है। अभिभावकों की शिकायत पर शिक्षा विभाग ने जयपुरिया स्कूल, मिलाप नगर, शिडलिंग स्कूल, जवाहर नगर और मैसूरी स्कूल को नोटिस जारी किया है। कोरोना काल के बाद कुछ अभिभावक फीस जमा कराने में सक्षम नहीं थे। ऐसे में स्कूलों द्वारा लगातार अभिभावकों पर फीस के लिए दबाव बनाया जा रहा था। इसके साथ ही जो अभिभावक फीस जमा नहीं करा पा रहे थे उनके बच्चों को नहीं पढ़ाया जा रहा था। इसके खिलाफ अभिभावकों ने शिक्षा विभाग के संयुक्त निदेशक को शिकायत की थी, जिस पर ये बड़ी कार्रवाई हुई है। वहीं राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर की बात करें तो आपको बता दें कि बड़ी खबर, रीट के आंसर देख युवक ने किया सुसाइड। राजस्थान के अलवर जिले से बड़ी खबर है। अलवर के बानूसर कस्बे के पास से सांतलपुर रोड सन निवासी 27 वर्षीय विष्णु आय यादव ने मंगलवार देर रात जहर खाकर आत्महत्या कर ली है। विष्णु ने सुसाइड से पहले व्हाट्सएप स्टेटस पर लिखा कि वारे नौकरी रीट, इसमें किसी की कोई गलती नहीं है, गलती है तो मेरी और जिम्मेदार हूँ तो मैं, सॉरी। रात को करीब 1:30 बजे बाद परिवार को विष्णु के जहर खाने का पता चला। सुबह पोस्टमार्टम करवा के शव परिजनों को सौंप दिया गया है। वहीं राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर की बात करें तो आपको बता दें कि अधिकारी फोन नहीं उठाते तो समस्या का समाधान कैसे होगा। बरसात से किसानों की फसल खराब हो गई है। मुआवजे को लेकर फोन करते तो जवाब नहीं मिलता। जिला परिषद की बैठक में जनप्रतिनिधियों अधिकारियों में नोकझोंक हुई है। जिला परिषद की साधारण सभा की बैठक बुधवार दोपहर जिला परिषद सभागार में हुई। बैठक में सदस्यों ने काम नहीं होने का आरोप लगाया। सदस्यों ने कहा कि मूलभूत समस्याओं का समाधान नहीं होने पर आंदोलन किया जाएगा। वहीं राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर की बात करें तो आपको बता दें कि केंद्र सरकार के खिलाफ कांग्रेस का प्रदर्शन। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भाजपा की नीतियों का किया विरोध। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों को कम और नए कृषि बिलों को निरस्त करने की मांग की है। वहीं राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर की बात करें तो आपको बता दें कि पेट्रोल डीजल की बड़ी कीमतों पर सीएम ने केंद्र से की मांग। सरकार जल्द घटाए एक्साइज ड्यूटी और कृषि सेस। कहा, डीजल से केंद्र सरकार को करीब 32 रुपये और राज्य को 22 रुपये मिलता है वैट। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने केंद्र सरकार से पेट्रोल डीजल के दाम घटाने की मांग की है। गहलोत ने आरोप लगाया है कि पेट्रोल डीजल पर भारत सरकार ने कई तरह की एक्साइज ड्यूटी लगा रखी है, जिसमें राज्यों को हिस्सा नहीं दिया जाता है। उन्होंने एडिशनल एक्साइज ड्यूटी और स्पेशल एक्साइज ड्यूटी के साथ ही कृषि सेस भी घटाकर आम आदमी को राहत देने की मांग रखी है। ये थी राजस्थान की आज की दिन भर की तमाम बड़ी खबरें। मिलते हैं नई तमाम बड़ी काम की खबरों के साथ। तब तक बने रहिए आपके और अपने चैनल द सुगम की साथ।